Which of the following pair is expected to have the same bond order? हमारे पास species given है और हमसे पूछा गया इनमें से कौन same bond order रखता है. Again हमें पता होना चाहिए 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर होता है. जिस भी स्पीशीज में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, और एक इलेक्ट्रॉन कम या एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाने पर इंक्रीज करने पर 0.5 का डिक्रीमेंट आता है बॉन्ड ऑर्डर के अंदर. तो 15 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5, 16 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2, 17 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5. इसी तरह से 13 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5, 12 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2, 11 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5. तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग पता होगी तो हम बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं कौन इक्वल है या कौन अनइक्वल. O2 N2 माइनस, O2 की हम बात करें तो O2 में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन, तो O2 में 16 में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2. N2 में कितने होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3. तो हमारा ए तो आंसर नहीं होगा. बी में हम काउंट करें O2 प्लस 15 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2.5. N2 माइनस अगेन 15 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5. तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट. सी भी चेक कर सकते हैं हम, O2 माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं 17 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 17 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5. N2 प्लस का मतलब कितना हुआ 13 इलेक्ट्रॉन, और 13 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5. तो ये हमारा आंसर नहीं होगा. डी की हम बात करें O2 माइनस हम पहले कर चुके हैं 1.5, और N2 माइनस की हम बात करें, N2 माइनस को हम पहले कर चुके हैं सोल्व, इसका होता है 2.5. तो यहां हम देखें सेम बॉन्ड ऑर्डर हमसे पूछा गया था, तो ऑप्शन बी में आ रहा था सेम बॉन्ड ऑर्डर हमारा आ रहा था, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है.